in this module we are going to study under the consumer behavior the assumptions of consumer preference ordering and the one assumption the continuity we will study this assumption provides the consumer preference and the choice related behavior of the consumer and it shows that the consumer behavior is continuous and that continuous behavior of the consumer will be showed by a continuous performance under the same graph or the line, and that on the paper surface that is having the two dimensions, we can have a graph to express the consumer behavior without any break. So, anything that can be expressed by a line that is without any break that will show the continuous behavior so when we express the consumer behavior in the form of a continuous graph either it can has no impact with the shape of the graph that graph can be increasing it can be straight line it can be decreasing but a continuous line that will show the continuous behavior of the consumer and small changes in the consumer preferences that are being depicted through the substitution of the consumption bundles that are basically explained through the movement along this curve या अगर मैं अगर आपसे कहूँ कि जिस तरीके से मुख्तलिफ अशिया जो कंज्यूमर खरीद कर रहा होता है चूँकि उसकी कीमतों में सुबह दोपहर शाम आप देखते हैं कि मुख्तफ उतार चढ़ाव आते हैं तो उस कीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से वो बड़ी स्पीडली और रेपिडली अपने कंजम्पन बंडल्स की जो कमोडीज़ की क्वान्टिट्टी है मकदार है उसमें कमी बेशी कर रहा होता है तो चूँकि वो कमी बेशी वो बेशक डिस्क्रीट फॉर्म में कर सकता है मेन कंप्लीट फॉर्म में थोड़ी लेकिन वो बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में भी कर सकता है तो ये जो बहुत मामूली कमी बेशी है वो तभी एक्सप्रेस हो सकती है अगर उसमें वो सब्सिट्यूशन की मामूली सी मकदार को भी हम एक्सप्रेस करें तो अलोंग द कंजम्पशन लाइन और अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, द वेरी माइन्यूट सब्सटीट्यूशन और द चेंज बिटवीन द कमोडिटीज बंडल दैट इज़ बींगसप्रेस थ्रू अ वेरी माइन्यूट चेंज और द लाइन तो हमारी उस चेंज को शो करने के लिए ये लाजमी है कि हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो ग्राफ या एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में एक्सप्लेन हो और यही हमारी कंटिन्यूटी की जो अजम्शन है वो हमें अलाउ करती है कि जिस टाइम हमने उसको एक्सप्लेन करना है थ्रू द मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिकल टूल्स या कैलकुलस क्योंकि हमने अपनी ऑप्टीमाइजेशन टेक्निक के ऊपर बात की थी तो ऑप्टिमाइजेशन में हम जब भी स्लोप मैयर करेंगे हम एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के हवाले से जब भी हमने कैलकुलेशन करनी है मीन उस पॉइंट के ऊपर स्लोप करते हुए हम या ऑप्टिमाइजेशन में ऑप्टिमल मैक्सिमा ले रहे होते हैं या ऑप्टिमाइज्ड मिनिमम पॉइंट ले रहे होते हैं तो उस एक पॉइंट को हम तभी कैलकुलेट कर सकेंगे जब हम उस लाइन या उस कर्व या उस ग्राफ को बिल्कुल एक कंटिन्यूस फॉर्म में देख रहे हों जितनी भी चेंजेस आ रही हों उसमें हम उसमें गैप कहीं पर ना हो और इसको अगर हम अब वाजिया करें एक ग्राफ की फॉर्म में तो इस शक्ल में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास तीन ग्राफ अवेलेबल हैं अब इस ग्राफ में अगर हम देखें तो इस ग्राफ में हमारे पास एक कमोडिटी है एक्स जिसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास हम देखें तो एक्स टू एक्स थ्री और एक्स वन फॉर्म्स में इस तरीके से मौजूद है अब ये बगैर किसी तरतीब के अगर हम देखें तो ये उसने एक कमोडिटी को यहाँ एक्सप्रेस किया एक को यहाँ किया और एक को यहाँ अब उसी तरीके से उसके लिए फंक्शन बनाया है कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अगर उस फंक्शन को वो एक्सप्लेन कर रहा है ऑन द y एक्सिस और अब उसके उस फंक्शन को हम ज्वाइन कर रहे हैं यानी ये उसने उसकी कंज्यूमर के प्रेफरेंस को एक्सप्लेन किया एंड दिस इज़ दैट कंटिन्यूस लाइन दैट विल एक्सप्रेस द कंज्यूमर बिहेवियर तो जो अ फंक्शन वाई दैट इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स दिस इज़ द कंटीन्यूस लाइन एंड दिस कंटीन्यूस जब तभी मुमकिन है ये फंक्शन जब इसमें कोई भी ब्रेक ना हो क्योंकि तो अगर उसमें कहीं पर भी ब्रेक आ जाती है तो हम उसको इस फंक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और अगर हम फंक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे तो अगर हम अपनी ऑप्टिमाइजेशन में जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि चेंज इन वाई विद द चेंज इन एक्स हम उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर हमारे पास ये कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अब इसमें अगर हम देखें तो हमने इस एक ऑप्टिमल पॉइंट के ऊपर जो कि मैक्सिमा बनता है हमने कैलकुलेशन की हमने x2 में अगर हम देखें तो ये मिनिमम पॉइंट बनता हमने यहाँ कैलकुलेशन की उसी तरीके से फिर अगर हम देखें तो ये वाला एक पॉइंट ये फिर हमारा एक लोकल मैक्सिमम भी बन रहा है और ग्लोबल मैक्सिमम यहाँ पे भी कैलकुलेशन की तो ये तभी मुमकिन है अगर हम इन तीनों की कंटिन्यूस फॉर्म लेंगे क्योंकि हमने जब भी देखनी है इसकी और इसकी चेंज को देखना होगा और अगर हम इसको और उसी तरीके से जब हम इस पॉइंट पे होंगे तो पिछले पॉइंट से यहाँ की हमें चेंज को देखना होगा अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारे पास इसी डायग्राम में अगर हम कहें कि ये हमारे पास ए डायग्राम है तो ये थी और अगर मैं इसी तरह यहाँ पे इसकी डायग्राम बी बनाऊँ तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें भी अगर देखें तो यही वाले तीनों पॉइंट्स हमारे सामने हैं मीन एक्स वन है वो एक इस पॉइंट पे शो हो रहा है और उसी तरीके से एक्स टू एक मिनिमल पॉइंट की फॉर्म में शो हो रहा है और ये एक एक्स नॉट उसने शो किया है जो अब एक्स नॉट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास गैप है ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये कोई भी लाइन आपस में ज्वाइंड नहीं है तो ये दैट इज अ ब्रेक तो चूंकि अब इसमें यहाँ पर एक ब्रेक हमारे पास आ गई और इसका मतलब है कि ये अब लाइन हमारी ब्रेक आ गई या हम इसको कहेंगे कि ये हमारी नॉन कंटिन्यूस हो गई तो वो फंक्शन जिसमें ये वाली शेप आ जाए हम उसको फंक्शनल फॉर्म के तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसी तरीके से जो हमारे पास डायग्राम सी है अगर अब हम इसमें देखें तो इसमें हमारे ये तीन पॉइंट्स के बजाय हमारे पास अब चार पॉइंट सामने आ रहे हैं जिसमें अगर देखें तो एक्स वन एक्स थ्री और एक्स है ये अगर हम देखें तो इसमें एक्स थ्री एक हमारा मिनिमल लोकल मिनिमा पॉइंट शो किया गया है उसी तरीके से ये जो दूसरा है उसमें x2 ये एक मैक्सिमम पॉइंट है क्योंकि तो हम इन ऑप्टिमल पॉइंट्स के ऊपर ही उसको देखेंगे और इसको अगर हम सिर्फ इस ग्राफ को देखेंगे तो ये इतना सा ग्राफ तो कंटिन्यूस बनता है और अगर उसी तरीके से अगर हम इस दूसरे को देखेंगे तो ये इंटरनली यहाँ से यहाँ तक तो कंटीन्यूस बनता है लेकिन इस ग्राफ में अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे एक की बजाय यहाँ पे और इसी तरीके से यहाँ एक्चुअली दो अलहदा अलग वेरिएबल्स एक्सप्लेन किए गए हैं तो चूंकि जब दो वेरिएबल्स एक ही ग्राफ में हों तो हम उसको फंक्शनल फॉर्म में एक वेरिएबल के तहत हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो अगर हमने कंज्यूमर बिहेवियर के सोलूशन की तरफ जाना है जिसके लिए हमारी डिज़ायर्ड टेक्निक जो कि ऑप्टिमाइजेशन है तो उस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो हमारे मैथमेटिकल या कैलकुलस के मेथड्स हैं वो ये हमसे डिमेंड करते हैं कि उसके लिए कंटिन्यूस लाइन का होना अब मैंने इसीलिए एक लाइन की बात करी क्योंकि ये वाला जो कर्व है ये हम अगर देखें तो ये ओवरऑल हमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दे रहा है इसी तरीके से अगर मैं एक और कर्व यहाँ ड्रा करूँ तो हो सकता है कि ये इस फॉर्म में हम ड्रा करें तो ये इस फॉर्म में से होने के बजाय ये डिक्रीजिंग की बजाय अगर हम देखें तो ये इस फॉर्म में हमें डिक्रीजिंग में भी आ सकता है तो लेकिन ये कंटिन्यूस है इसी तरीके से अगर एक कर्व हम इस फॉर्म में ड्रा करते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है और एक जिसमें कोई स्लोप नहीं है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी कंटिन्यूस है ये अपवर्ड स्लोपिंग लेकिन कंटिन्यूस है और ये स्ट्रेट लाइन लेकिन ये भी कंटिन्यूस है और अगर हम इसके किसी पॉइंट के ऊपर यहाँ और इसके दरमियान डिफरेंस लेंगे तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी वाई विद डी एक्स तो इट विल शो कि ये ज़ीरो आ गया है तो हम कहेंगे कि बहन देर इज नो और योर कॉन्स्टेंट तो इसमें चूँकि स्लोप में चेंज नहीं आ रही any shape of either it is curvature downward hai uska upward hai with two curves hai three hai straight line hai but the continuity is the basic that property that gives the facility to the economist to explain the consumer behavior and to analyze this with the help of calculus applying the technique of optimization and that is very much necessary to study this